ये देख सकते अभी हम क्लच लिए हैं, गाड़ी चलेगा, ये देख सकते गाड़ी चलेगा, लेकिन जैसे ही इस स्टैंड को लगाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिक। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक तिवारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पीछे लगा हुआ है सुजुकी जिक्सर का नेकेड वर्जन, जो है नेकेड पूरा नेकेड आगे से वो मॉडल लगा हुआ है 2022 का। ये फुल न्यू वर्जन है, न्यू मॉडल का गाड़ी है। इसमें बहुत सारी अपडेटेड आ गई है, जो कि पहले 2021 वाले से बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है इस गाड़ी में। तो आज की इस वीडियो में इसका हम फुल वॉक अराउंड करेंगे, फुल रिव्यू बताएंगे, फुल डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए इस गाड़ी का आज फुल वॉक अराउंड करते हैं। फ्रंट सेक्शन से बात कर लेते हैं। फ्रंट सेक्शन आपको बता दिया हमने कि वाइजर जो है वो फुली नेकेड है, अनकवर्ड है पूरा। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोअर अपर बिम का लाइट जल रहा है। इसके नीचे इसका DRL है जो कि फुली LED में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो लोअर बिम है उसको भी चलाएंगे तो ये भी आपको देख सकते हैं। ये यानी बोल सकते हैं इसको कि तीनों DRL अपर बीम लोअर बीम तीनों के तीनों इसके फुल LED में लगाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अगर इंडिकेटर की बात कर ले जाए तो ये देखिए आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को इस गाड़ी में मिल जाते हैं। साथ ही साथ मडगार्ड सेक्शन देख सकते हैं जो कि ये आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। ये हुआ है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सुजुकी का एक स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को इन्हेंस करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। तो इसका सस्पेंशन भाई देख रहे कितना ज़्यादा मोटा लग रहा है, यानी अगर बात करें तो 41 से 43 mm के आसपास इसके फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन इस गाड़ी का रहता है। अगर फ्रंट टायर की साइज की बात कर ली जाए तो 100x80 17 inch में फुली अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ आपको यहाँ पे MRF का टायर मिल जाता है, जो कि MRF का टायर जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ डिस्क ब्रेक की बात कर ले तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS जो कि यहाँ देख रहे होंगे सिंगल चैनल ABS के साथ मिल जाता है। वहीं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के बारे में हमने बात कर लिया, 41 से 43 mm के बीच में इसका सस्पेंशन भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर ऑयल टैंक की बात कर ली जाए तो यहाँ देख सकते हैं आपको सुजुकी का एक 3D ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिक्सर का स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाता है, यहाँ भी जिक्सर का बड़ा बड़ा स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन का ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। वहीं ऑयल टैंक की फुल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो अप्रोक्स 12 लीटर के आसपास यानी 12 लीटर पेट्रोल एक बार में आपके ऑयल टैंक को फुल कर देगी, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है इस गाड़ी में ऑयल टैंक की। वहीं पे बात कर ले हुए यहाँ पे तो कुछ वार्निंग्स दिया गया है। साथ ही साथ अब आइए जानते हैं हम लोग मीटर कंसोल की बात कर ले हुए, तो मीटर कंसोल में आपको ये देख सकते हैं जैसे ही मीटर को ऑन किए फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे गियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये RPM का है, ये फ्यूल गॉज है। साथ ही साथ यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है और गाड़ी कितना किलोमीटर चला। अगर बात करें यहाँ पे तो ये देख सकते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद ABS का ब्रांडिंग दिख रहा है, सेट का ऑप्शन है, सुजुकी का 3D लोगो दिख रहा है, यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ये देख सकते हैं इंजन मालवेयर फंक्शन, और गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये लाइट आपका जल जाएगी। वहीं गाड़ी का जो हैंडल है, हैंडल की बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल यहाँ पे आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। वहीं लेफ्ट हैंडल बार में बात कर ले तो पास लाइट की ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपर बीम लोअर बीम ये देख सकते हैं, अपर बीम जैसे ही ऑन किए वहाँ पे यहाँ पे भी ऑन होने लगा अपर बीम लोअर बीम। ये इंडिकेटर टर्न ऑफ टर्न ऑन इंडिकेटर राइट लेफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हॉर्न सुनाते हैं आपको इस गाड़ी का कैसा है, तो आपने हॉर्न भी सुन लिया। राइट साइड हैंडल बार में बात कर ले तो ये देख सकते हैं इंजन किल स्विच ऑफ ऑन इंजन किल स्विच है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
तो गाइज अगर इंजन सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि मैक्सिमम 155 सीसी की पावर जनरेट करती है। अगर मैक्सिमम पावर की बात कर लेवे तो 13.6 पीएस की मैक्सिमम पावर जो कि 8000 आरपीएम पे भी वर्क करती है। अगर रियर टायर सेक्शन की बात कर ली जाए तो 140x60 17 इंच के फुल ट्यूबलेस अलॉय व्हील के साथ आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। ओपन चेन ड्राइव के साथ आपको ये रियर का टायर भी देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेवे सेडी गार्ड की तो सेडी गार्ड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा राउंड शेप में है, मतलब ये 2022 की अपडेटेड वर्जन की जो फीचर्स है उसमें आपको राउंड शेप में आता है, पहले राउंड शेप में नहीं आता था। बात कर ले सीट क्वालिटी की तो आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की बनाई गई है। साथ ही साथ अगर ग्रैब हैंडल की बात करें पीछे से इसका लुक देखें तो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर वाला फीलिंग आ रहा है। ग्रैब हैंडल भी आपको स्प्लिट में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का ग्रैब हैंडल लगाया हुआ है। अगर टेल लाइट की बात कर ले तो आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाता है, उसका जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती है इसको लुक को। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है पीछे से, मतलब बात करें एक रियल फिलनेस की तो आपको एक जस्ट लाइक मॉन्स्टर के लाइक देखने को लग रहा है। बल्ब की बात कर ले तो आपको इंडिकेटर जो है बल्ब में देखने को मिल जाता है। अगर वहीं आप बात कर ले एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट में आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है जो कि डुअल एग्जॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के एग्जॉस्ट है, साउंड क्वालिटी भी इसका सही होगा। गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात कर ली जाए तो 13.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क जो कि 6000 आरपीएम पे वर्क करती है। गाड़ी की टोटल लेंथ 2020 एमएम की, हाइट 1035 एमएम की, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 160 एमएम की टोटल ग्राउंड क्लियरेंस, और टोटल वेट की बात कर ली जाए तो 141 केजी की टोटल वेट भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ACP का मतलब सुजुकी इको परफॉर्मेंस की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस इसकी जो 2022 की न्यू अपडेट है साइड स्टैंड कटअप, इसका आज हम एकदम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ नजदीक आके देखिए, यहाँ आप नजदीक कैमरा लगाइए, ये देख सकते हैं गाड़ी अभी न्यूट्रल में नहीं है, मतलब गाड़ी गियर में है। गाड़ी हम आपको क्लच लेके स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब आप थोड़ा दूर जाइए, ये देख सकते हैं अभी हम क्लच लिए हैं, गाड़ी चलेगा, ये देख सकते गाड़ी चलेगा, लेकिन जैसे ही स्टैंड को लगाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब साइड स्टैंड कटअप है। ये देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो गाइस ये देख सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये है साइड स्टैंड कटअप। ये क्यों लगाया गया, क्योंकि आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट क्यों होता है, साइड स्टैंड को लगाए रखते हैं और उनके वजह से इनका जो गाड़ी है वो डैमेज कर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कंपनी इसको देखते हुए ये जो है काफी ज्यादा अच्छा की है, काफी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर प्राइस की बात करें इस गाड़ी की तो ऑन रोड प्राइस इसका 1,64,000 के आसपास आपको डाल्टनगंज में इसकी एक ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगी। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देख रहे हैं कितना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, पसीना आ गया फिर भी वीडियो बना रहे हैं। तो आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहिए, और आई होप अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।